जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। मैं आप सबकी बहन आरती घोसी, आरती घोसी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ जी। भैया आज हम आए थे, गिर रहा है पानी, लाइट आइट की व्यवस्था है बिल्कुल है नहीं है, कट चुकी है लाइट, गिर रहा है आप सब की लाना समझ में नहीं आ रहा हुई है, कम गिर रहा पहले, गिर चुके हैं पानी बहुत तेज, पानी गिरो की वजह से आज बहुत लेट वीडियो बन पा रहे हैं, और ससुराल में है तो घर के कामों की वजह से वीडियो नहीं बना पाता है। आप सब जाना तो ये दीदी हरे देख रही हूँ ये वीडियो, दीदी हरे भी देखा थे, भैया हरे भी देखा था, बहुत अच्छा लगा थे आप सब वीडियो देखा था। आप लोग सोच रहे हो बिल्कुल बुंदेलखंडी में, बुंदेलखंडी बोलन लगे तब क्या करे भैया, बुंदेलखंडी में रहते हैं तो बुंदेलखंडी बोलना पड़े। चलो वीडियो में दे रहे हैं तो जानकारी के लाने वीदियो बना स्टार्ट करे हैं हमने, भी दे दें आप सब के लाने। आप लोग सोचोगे अपनी रामलीला पहले गान लगा, चलो हम अपनी रामलीला नहीं गा रहे हैं तो आप सब के लाने बताएं दे रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार यानी कि हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो सत्संग होने वाला है, सत्संग कार्यक्रम होने वाला है बम्बई महाराष्ट्र में 18 और 19 मार्च को, आप सबको हमने वीडियो बनाए हैं, अपलोड भी किए हैं। भैया बिजली तड़ा कर रही है हमारे ऊपर है घर पर है तो आप सबको बता दें जो कार्यक्रम होने वाला है तो वहाँ के जो कि नाना पटोले अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने सरकार को एक नोटिस लिख के जारी किया है, एक चिट्ठी भेजी है कि अगर बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सत्संग वगैरह हुई, संतों के साथ कोई सभा वगैरह हुई है, जो भी मतलब दिव्य दरबार लगना है सीधी बात, दिव्य दरबार में जो भी अगर दिव्य दरबार लगेगा बागेश्वर धाम का बम्बई यानी कि महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे कई लोग उनके मतलब अंधविश्वास के चक्कर में फंस सकते हैं, इसलिए गुरुदेव को इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। ये सब नोटिस लिख के दिए हैं बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ, यानी कि बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले साफ कर रहे हैं। भैया जी ने कही हो कि हम अपनी तरफ से कह रहे वीडियो बना रहे कांग्रेस और भाजपा की वीडियो बना रहा, भैया हम राजनीति से तो हम जानते ही नहीं है पहली बार, भैया गांव के देहाती लोग ऐसे घरों में रह टपरियाँ बनी है जी, ऐसे घरों में रह रहे हैं कि और ऐसे हम राजनीति का जाने, हमें तो जो वीडियो की तरफ से जानकारी मिली है ओके आधार पे हम वीडियो बना रहे हैं, वरना कोई हमारे ऊपर शिकायत कर देवे कि तुमने करी तो भैया गरीब आदमी है हम, भैया इतने हम कछु जाना तो नहीं है, गांव देहात के रहे वारे हैं, आप सब के लाने बता देना तरह आप और हाँ भैया बहुत डर लगा था ऐसे, बहुत दीदी बिन्नारों के लाने धमकी मिली, हमें खुद मिली धमकी, गुरु जी के वीडियो बना रहे हैं तो बहुत सारे लोग हमें खुद धमकी दे रहे हैं कि कछु नहीं है, मिलंदे धमकी मिलंदे कोई दिक्कत नहीं है, बालाजी की कृपा हुई है सब पे हुई है, हम पे उन पे सब पे, तो वीडियो में बता रहे हैं हम आपको जो बता रहे थे वो बता दें, लेकिन हमें फिर भी डर लगा था, वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन फिर भी डर लग हो रहे थे, इतना भी डर नहीं लगा था ऐसे गुरु जी की कृपा है सब पे, तो इतना ज़्यादा डर नहीं लगा फिर भी, लेकिन लगा तो है भली कछु हो जाए तो गुरु जी के लाने बहुत सारे विरोध आंदोलन होने लगे हैं, विरोध प्रदर्शन होने लगे, बिल्कुल उन्होंने की सलाह हो चुकी है कांग्रेस पार्टी वालों की कि गुरु जी के यानी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कोई भी कार्यक्रम मुंबई महाराष्ट्र में नहीं होने देना है, ये किसका कहना है, कांग्रेस पार्टी वाले लोगों का, और बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं मतलब उन्होंने स्वागत की तैयारियां भी कर चुके हैं, शिवसेना के लोग भैया जी शिवसेना है और जी हम नहीं जाना थे, लेकिन जो न्यूज़ में आता तो हम बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के विरोध का प्रदर्शन पर उतर गए हैं, और वहीं बीजेपी यानी कि बीजेपी पार्टी उनके स्वागत की तैयारियाँ कर चुकी है, और अब भाई ज़्यादा दिन थोड़ी ना रह गए हैं मतलब गुरुदेव के दरबार के लाने, और वैसे भी बहुत लोगों बम्बई के लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लाने तो बहुत अच्छी बात आती कि गुरु जी आ रहे हैं, अभी भी जे हैं ऐसा तो कछु है नहीं है कि उनके लाने अनुमति नहीं मिले, अनुमति मिले है और मिल गई, अगर अनुमति नहीं मिली होती तो इतना भव्य आयोजन नहीं हो, तो इतने दूर दूर से संत महात्मा न पहुँचते, वैसे पहुँच गए खबर भी जब ही आई है कि वहाँ पर बहुत दूर दूर से संत महात्मा पहुँच गए हैं, गार्डन हम मतलब डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल डाल रहे हैं जहाँ पे जो कार्यक्रम को आयोजन होने हैं, हम डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स वगैरह दे दें तो आप सब देख लियो, आपके आसपास हो तो भैया चले जाइयो, अब हमारे कहाँ बम्बई कहाँ भैया मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के रहे वाले हैं है कि नहीं, तो भैया उतनी दूर कैसे जाते हैं हम,
वही जाए वाले जा सकते हैं, वही पैसों वाले जा सकते हैं, वहाँ पर जैसे टपरियों वाले थोड़ी जा सकते हैं। अच्छे ऐसे पैसों वाले होते तो का वीडियो ऐसे थोड़ी बना रहे होते, अच्छे घूमते गाड़ियों में है कि नहीं। चलो ये पानी गिरन लगे हुए बहुत तेज। अब मिल रहे हैं अगले वीडियो में, इतने आज के वीडियो देते ही रहने, जितनी जानकारी मिली है वैसे बहुत सारी जानकारी है देने हैं, तो हम अगले वीडियो में दें तो आप सब भी बारे वीडियो देख लियो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो। ऐसे वीडियो बनाया बहुत मेहनत लगा, तो एक भैया ने कही थी हमसे, एक दीदी ने भी कमेंट करे थे, पता है क्या बोल रहे थे, गुरुदेव ने कि एक शादी करो और दो चार चार बच्चे पैदा करो और बस दो तीन हिंदू राष्ट्र को सौंप दो राम के नाम पे और अपने घर के काम में लगा लो दो। तो भैया कह रहे थे कि उनके लाने पड़े हैं लेके है को दीदी, तो भैया हम थोड़ी कह रहे हैं, अपनी अपनी किस्मत लेके यहाँ है तो पढ़ लिख ले। चलो मैं लाइक लिखने, जब तक लाना जय श्री राम।